हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल देव। तो आज की इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक पे बात करेंगे, ये तो आपने कैप्शन में देख ही लिया होगा, और जिसने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। तो बात आगे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मेन है जो कीवर्ड्स होते हैं, वो यूट्यूब में उनका क्या रोल होता है, ठीक है। और इसी सब के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है और इसी के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक देखना, क्योंकि अगर आपने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा तो आप फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो आपका ही फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं गाइस? जो आप वीडियो में रिसर्च करते हैं, जैसे आपने जैसे सर्च इंजन, जो यूट्यूब का सर्च इंजन होता है, उसमें आपने जैसे कुछ भी जैसे टाइपिंग कर दिया, जैसे हाउ या यूट्यूब या हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, कुछ भी आप जैसे इस हाउ का जैसे एच भी लिखते हो, तो उसके जो नीचे जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उनके जो नीचे मतलब जो भी लिंक्स आते हैं, वो उनको बोलते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। और कीवर्ड्स का जो रोल होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कीवर्ड का, जो आप वीडियो अपलोड करते हैं उसमें, ठीक है, और यूट्यूब में। तो गाइस, जैसे हम कोई वीडियो हमने अपलोड कर दी, ठीक है, तो उसका हम जो हमने जो टैग होते हैं और जो कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स अगर हमने अच्छे ढंग से लगा रखे हैं तो ही हमारी वीडियो वायरल होगी, और अगर कीवर्ड्स गलत हो गए तो वायरल होना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो गाइस, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको कीवर्ड्स के ऊपर रखना है, ठीक है। और कीवर्ड्स कहाँ से मिलेंगे आपको और कैसे मिलेंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो बस आपको खाली वीडियो स्टार्टिंग से और अंत तक देखना और ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो दोस्तों, आज के टाइम में क्या होता है, देखो काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट हैं, काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं या एप्लीकेशन हैं, जिन जो आपको कीवर्ड्स वाले मतलब कीवर्ड्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको लेके आया हूँ, मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि जो पांच मेरे पास है टॉप फाइव फ्री वेबसाइट है, जहाँ से आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, और वो भी बिल्कुल अच्छे वाले। तो आप वहाँ से उन साइटों पर ऑनलाइन जाकर, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी देर में बताऊँगा, लेकिन आप पहले सुन लीजिए। तो आपने सिंपली कुछ नहीं करना, आपने गूगल पे गूगल खोलना है, ठीक है। गूगल पे आपने बस सिंपली जो वेबसाइट मैं बताऊंगा, वो वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है, और उस वेबसाइट के बारे में वहाँ पे आपने जो भी आपका जो भी वीडियो आपने अपलोड करनी है, जैसे वीडियो जिस भी चीज़ से रिलेटेड है आपकी वीडियो, उसका आपने कीवर्ड वहाँ पे बस स्टार्टिंग का कुछ वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स टाइपिंग करना है, उसके बाद अपना सर्च कर लेना, अपने आप उसका जो होगा मेन जो बीच का टॉपिक होगा वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और उन कीवर्ड्स को आपको अपने वीडियो के टाइटल में ऐड करना है, और जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे ऐड करना है, और जो टैक्स वाला कैप्शन होता है वहाँ पे भी आपको ऐड करना है, तभी आ जाके आपकी वीडियो वायरल हो सकती है गाइज। तो गाइज, मैं आपको बताऊँगा आज, और मैं आपके लिए ही लेके आया हूँ जो टॉप फाइव फ्री वेबसाइट है उनके बारे में, ठीक है। तो गाइज, चलते हैं फ़ोन की होम स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जो टॉप फाइव फ्री वेबसाइट है और कितनी अच्छी होंगी वो, ठीक है, आपको बस ध्यान से देखना है। तो गाइज, चलते हैं फ़ोन की होम स्क्रीन पर। तो हम आ गए हैं फ़ोन की होम स्क्रीन पे, हमें सबसे पहले हमें ओपन करना है गूगल, ठीक है। गूगल के सर्च बार पे हमें क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें सबसे पहला जो कीवर्ड रिसर्च टूल है, सबसे पहला ऑप्शन आता है सोबली का, SOOBLE, हमें इसके बाद हमें कर देना है एंटर। एंटर करने के बाद आप देख सकते हो ये जो पहला ऑप्शन आया, हमें इस पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद गाइज, आप देख सकते हो ये इतने सारे ऑप्शन आ गए हमारे पास। सबसे पहला विकीपीडिया, गूगल, amazon.com, याहू, वीवे, बिंग, buy.com, ओवरस्टॉक, आंसर, और लास्ट में हमारा मिलता है हमें यूट्यूब। हमें सिर्फ इससे मतलब है, ठीक है। इसके बाद हमें ये जो बीच में सर्च बार मिलता है, हमें यहाँ पे क्लिक कर देना। अब मैं यहाँ पे गाइस, आपका वीडियो जो भी जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, आपको सिंपली यहाँ पे वो सर्च कर देना है। अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे HOW, मैंने हाउ लिखा। हाउ लिखने के बाद आप देख सकते हो गाइस, सारे जो भी टूल थे, विकीपीडिया, अमेज़ोन, याहू, सबके अपने कीवर्ड्स रिसर्च में आपके सामने आ गए, ठीक है। तो हमें सिंपली और किसी से मतलब है, हमें बस चाहिए यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब के देख सकते हैं, ये देख सकते हो आप, ये यूट्यूब के हैं सारे कीवर्ड, कि मतलब इस टाइम सबसे टॉप में कौन सा टॉपिक चल रहा है या कौन सा ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। तो पहले देखो, हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, हाउ टू प्रमोट योर यूट्यूब चैनल, हाउ टू डाउनलोड बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया, हाउ टू इंक्रीज फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो गाइज, आप यहाँ से भी ले सकते हो, और ये बिल्कुल फ्री है। तो गाइज, इसके बाद चलते हैं हम दूसरे कीवर्ड रिसर्च टूल। तो गाइज, दूसरा टूल है हमारा
repitext.io, तो ये आ गया हमारे यहाँ पे ऑलरेडी, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद इसमें भी सेम सेम वैसे ही ऑप्शन है गाइस। सबसे पहला ऑप्शन है जो आप खोले यूट्यूब टैग जनरेटेड एंड ऑप्टिमाइजर रैपिड टैक्स, ठीक है, हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा था, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो आप देख सकते हो गाइस ये ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है, हमें सिंपली इस पर सर्च कर देना है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, हाउ एच लिखा है मैंने, एच ओ, अलग अलग चेंज हो रहे, देखो सब कुछ हो रहे हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे हाउ टू चेंज वीडियो बैकग्राउंड इन पावर डायरेक्टर, ठीक है। मैं सिंपली इनमें किसी हाउ टू डाउनलोड वीजीएमआई में आए इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप आपके सामने ये सर्च में मैं क्लिक करूँगा, अब आप देख सकते हो ये सारे टैग यहाँ से आ गए हैं। यूट्यूब पे जो सर्च बार में आते हैं वही टैग यहाँ पे आएंगे, ठीक है। आप यहाँ से सिंपली इसको कॉपी कर सकते हैं, नीचे कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, आप सीधे सीधे डायरेक्टली यहाँ से अपना जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पे या जो टैग वाला सेक्शन होता है आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ इस वाली साइड में ये भी आपको एक ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है गाइज। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो गाइज इसके बाद आती है हमारे तीसरे कीवर्ड रिसर्च टूल की, ठीक है गाइज। इसके बाद चलते हैं हम तीसरे कीवर्ड रिसर्च टूल पर। इसके बाद तीसरा आता है TUNEPOCKET ट्यून पॉकेट करके है साइड है, ठीक है। ये जो पहला ऑप्शन खुल गया हमें इस पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आप देख सकते हो इस बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, आपको सिंपली कहीं नहीं क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो YouTube टैग जनरेटर, ठीक है, हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो गाइस आपके सामने ये जो सर्च बार आ गया है, ठीक है, इस सर्च बार पे आपने अपना टाइटल लिख टाइपिंग कर देना, ठीक है, और नीचे जनरेट टैग पे क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ, देखो यहाँ पे भी आपके सामने आ रहा हाउ टू यूज़ स्पीड एंड साउंड एंड हाउ टू चेंज वीडियो बैकग्राउंड। तो मैं इनमें से किसी भी एक पे हाउ टू क्रिएट यूट्यूब, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद ये जनरेट टैग पे क्लिक कर दिया। अब आपके सामने देख सकते हो गाइज ये बहुत सारे टैग आ गए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे टैग्स होते हैं गाइज ये, ठीक है। इनमें से आप इनमें भी सेम जो दूसरे वाला ऑप्शन में दूसरी जो कीवर्ड रिसर्च टूल था उसके जैसे ही इसमें भी ऑप्शन है, आप इसको नीचे जो लिखा हुआ है कॉपी टू क्लिप बोर्ड, कॉपी टू क्लिप बोर्ड, ठीक है, आप यहाँ से सिंपली कॉपी इस पर क्लिक कर देना। ये आपके जो टैग्स जितने भी सारे कॉपी हो गए हैं, आप इसके बाद आपको सीधे ये कॉपी करने के बाद सीधे अपने टैग्स वाले सेक्शन में आपको इनको कॉपी पेस्ट कर देना, तो वहाँ पर जाए सारे अपने आप सेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम चौथे अपने चौथे कीवर्ड रिसर्च टूल पे। तो चौथा जो कीवर्ड रिसर्च टूल है वो है KEYWORD कीवर्ड टूल, ठीक है, हमें इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने पहला नहीं मैं आपको बताता हूँ, आपको पहले वाले पे क्लिक नहीं करना है, आपको करना है क्लिक गाइस ये दूसरे वाले पे, कीवर्ड टूल करके लिखा हुआ है यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है, हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद देख सकते हो गाइस आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको पहला आएगा ये यूट्यूब, आप यहाँ किस चीज़ के लिए रिसर्च करना चाहते, कीवर्ड रिसर्च चाहते हो आप, यूट्यूब, गूगल, बिंग, अमेजोन, ये प्ले स्टोर, ये इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी भी जिस भी चीज़ के लिए आपको चाहिए होगा कीवर्ड जो टैग्स है वो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो हमें यूट्यूब के लिए चाहिए तो हम यूट्यूब पे ही क्लिक करेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आ जाएगा कीवर्ड ये सामने, इस पर भी लिख देते हैं हम एच ओ हाउ, सिंपली मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, हाउ टू वीडियो बैकग्राउंड ब्लर, ठीक है, मैंने इतना लिख दिया। इसके बाद नीचे में देख सकते हो आप इंडिया, इंग्लिश, कंट्री, आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हमें तीसरा ऑप्शन सर्च पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसका थोड़ा सा आप इसमें प्रोसेसिंग थोड़ा टाइम लगेगा, इसका देख सकते हो आप बस 5 सेकंड के बाद आपका ये पेज खुल रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हो गाइस आपके सामने सारे इंटरफेस आ गए, आप चाहते तो इनको भी कॉपी करके ये देखो यहाँ पे सारे के सारे को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ नीचे से साइड में बना देखो कॉपी, एक बार में आप कॉपी 30 जो टैग होते हैं वो 30 टैग को आप कॉपी कर सकते हो। तो गाइस ये सबसे अच्छा है, बोले तो मतलब मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है। आप कहीं से भी, आप इतने सारे मैंने आपको 4 वेबसाइट बता दी, आप यहाँ से फ्री में टूल ले सकते हो गाइज, ठीक है। तो
अब हमारा आता है, अब आती है बारी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो जो मेरे हिसाब से सबसे बेटर ऑप्शन है कीवर्ड रिसर्च टूल का, उसके पास मैं आपको ले चलता हूँ। ठीक है गाइस, अब जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आ गया है हम यूट्यूब पे। ठीक है, और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड रिसर्च टूल है वो है खुद यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब में हम ओपन किया हमने, यूट्यूब के बाद हम गए सर्च बार में। ये जो सर्च बार होता है गाइज, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आपको सब कुछ पता लग जाएगा A to Z की क्या चीज़ आपकी ट्रेन में चल रही है अभी, क्या चीज़ का जो टॉपिक जो सबसे ज़्यादा सर्च वेल हो रहा है, सर्च वेल में कौन सा सबसे ज़्यादा टॉपिक कौन सा कितनी बार सबसे ज़्यादा, मतलब कौन सा टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा कितनी बार सर्च हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे सिम लिख दिया ट्रेनिंग, ठीक है, TREN लिखा है, तो इसके बाद देखते हो ट्रेनिंग वीडियोज़ का जो ऑप्शन जो ये है ये सबसे पहले सबसे टॉप में है, तो ये ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा सर्चिंग में चल रहा होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आता है ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑन यूट्यूब, आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपने कुछ भी जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपने वीडियो बनानी है आप उस चीज़ के बारे में लिख सकते हो गाइस। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने यहाँ पे लिख दिया BGMI। ठीक है, BGMI के साथ देखो सबसे पहला ऑप्शन जो सर्च में आ रहा है BGMI लाइव, फिर दूसरा BGMI BGMI गेम प्ले, BGMI ट्रेलर। तो गाइस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड रिसर्च टूल है जो मेरे हिसाब से यही है खुद यूट्यूब। ठीक है, आप यहाँ से ले सकते हो आपको जैसा ठीक लगता है, जो भी जिस चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो बना रहे हो उस चीज़ का सर्च टूल में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कौन सा चीज़ जो है कौन सी वीडियो या कौन सा वर्ड्स हैं जो आपके मतलब इस टाइम पे यूट्यूब में सबसे सर्च बार में सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है, कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनानी है जो सबसे ज़्यादा बार सर्च हो रहा है गाइज। ठीक है, तो गाइज आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी समझ में आ रही होगी और अच्छी लग रही होगी, और नहीं समझ में आएगी तो गाइज वीडियो को दोबारा देख लेना, और नहीं फिर भी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो गाइज़ आशा करता हूँ तो आपने आपको वीडियो समझ में आया होगी, और समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को दोबारा देख सकते हो, तब भी समझ में नहीं आए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो गाइज़ आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो कीवर्ड्स होते हैं उनका क्या रोल होता है यूट्यूब में। ठीक है, बिना कीवर्ड्स के कुछ भी नहीं है, जो आप वीडियो बना के अपलोड करोगे या जो वीडियो बना रहे हो जितनी मेहनत करोगे वो सबकी आप सब आपकी वेस्ट जाएगी। ठीक है गाइज़, तो जो ये मैंने 5 top 3 वेबसाइट बताई हैं आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, और इसके बाद गाइस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साइट होती है वो खुद होता है यूट्यूब। क्योंकि गाइस देखो यूट्यूब पे आपने जस्ट कुछ भी आप टाइपिंग करते हो, जैसे मतलब H लिख दिया या T लिख दिया, जो भी आपको लिखना है वो सिंपली आपका एक फ्रंट का एक वर्ड लिखना है। ठीक है, उसके नीचे आप देख सकते हैं जो भी जो टाइटल बने आते हैं जो भी लिखे होते हैं वो सबसे जो सबसे टॉप में होता है देखना, वो सबसे जो सर्च इंजन में जो सबसे टॉप में रहेगा। ठीक है, उसका मतलब होता है वो लिंक सबसे ज़्यादा इस टाइम सर्चेबल सर्च किया जा रहा है अभी यूट्यूब पे। ठीक है, तो गाइज आपने देख लिया होगा जो भी सर्च इंजन में जो भी नीचे तक पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी टाइटल आते हैं वो वही कीवर्ड होते हैं। ठीक है, और उन्हीं कीवर्ड्स के रिलेटेड आपको वीडियो बनानी है उन्हीं के रिलेटेड, क्योंकि आपको ये देखना कि जो सर्च इंजन में जो सबसे टॉप में है वो इस टाइम सर्च में सबसे ज़्यादा ऊपर चला है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो उसके ऊपर काफ़ी लोग सर्च कर रहे होंगे, तभी वो सर्च बार में सबसे टॉप में है। ठीक है गाइज, तो उम्मीद करता हूँ गाइज आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि उसी से हमारी मेहनत का फल मेरे को मिलेगा। मजाक कर रहा हूँ, तो गाइज़ प्लीज़ ओके आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। ठीक है गाइज, तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।